रुक्मिणी से, तुम्हारा मसला क्या है? इस रूटीन से बोर नहीं होती तुम? रोज झगड़ा करके उसे घर से जाने पर मजबूर कर देती हो, 2 घड़ी का आराम नहीं है उससे। दिस इज नॉट फेयर। तुम चाहती क्या हो? मैं ये चाहती हूँ कि कोई तीसरा कान लगाकर हमारी बातें नहीं सुने। मुझे अपनी जासूसी करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तमीज से बात करो। क्यों? हम यहाँ कोई बिजनेस डील के बारे में बात कर रहे हैं जो मैं आपसे तमीज से बात करूं? यहाँ बात मेरे हक की हो रही है तो मैं बोलूंगी ना। कौन सी हक तलफी की उसने तुम्हारी? हाँ, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और क्या उसकी एक्टिविटी है बताओ जरा मुझे। यही तो प्रॉब्लम है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। उसने अपनी जिंदगी को यहीं तक महदूद कर लिया है। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा भी दिल चाहता है कि वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, मेरे साथ बाहर आए जाए। अनाया के साथ तो वो ये सब कुछ बहुत शौक से करता था, उसको शॉपिंग पे ले जाना, उसके साथ बाहर जाना। उसके साथ तो उसने अपना हनीमून भी प्लान कर लिया था, याद है ना आपको? और जब मैंने हनीमून पर जाने की बात की तो उसने ये कहकर आराम से टाल दिया कि ऑफिस में काम है। वो बहाने नहीं बना रहा है, वो नहीं टाल रहा तुम्हें। बिजनेस के उसूल तुमसे ज्यादा और कौन जान सकता है? ऑफिस का लोड है उस पर। मैंने उससे बात की थी, उसने कहा अम्मी जरा लोड कम होगा तो मैं उसे टूर पर ले जाऊंगा। मुनी से जब उसने शादी की है तुमसे तो धीरे धीरे अपना भी लेगा तुम्हें। ये क्यों नहीं सोचती हो तुम?